नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। ये जो वीडियो है इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो एग्जीबिशंस लगते हैं तो ट्रेड शोज में आप लोग पार्टिसिपेट करते होंगे, अलग अलग ट्रेड शोज में, मेला समझ लीजिए। तो उसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं तो स्टॉल की जो स्पेस मिलती है उसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से फटाफट डेकोरेट करने के कुछ टिप्स, सारे नहीं है इसमें, ये मतलब एक 100% पूरा कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ टिप्स मेरे पास थे तो मैं देखा आप लोगों को बताऊं, तो जिससे आपके पैसे भी बच सकते हैं और अगर आपको किसी कारण से फटाफट जल्दीबाजी में कोई एग्जीबिशन में या ट्रेड शो में पार्टिसिपेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप यह है कि अगर आपका जो ट्रेड शो है उसमें आप स्टॉल लगा रहे हैं और बहुत ज्यादा किसी स्टॉल डिजाइनर से अपनी स्टॉल वगैरह डेकोरेट नहीं करा रहे हैं, डिजाइन नहीं करवा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी जो स्टॉल है उसकी हाइट, जो फ्लोर है वो नॉर्मल जो बाकी जो ट्रेड एग्जीबिशन की जो हाइट है उससे आप थोड़ी सी ऊपर करवा लें। उसको ऊपर करवाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, टेंट हाउस में जो फोल्डिंग टेबल्स आती है वो आप नीचे फ्लोर पे लगा सकते हैं और उसके ऊपर जो आपकी जो ट्रेड शो वाली जो एजेंसी है या जो कंपनी जो आपके जो आपको स्टॉल देने वाली है वो नॉर्मली आजकल हर ट्रेड शो में नीचे कारपेट लगता है, नॉन वुमन कारपेट, तो उनसे आप कह सकते हैं कि भाई ये जो मैं फ्लोर है ये टेब मतलब एक मैं मेरा प्लेटफॉर्म रेज करूंगा उसके ऊपर आप अपना कारपेट लगा दीजिएगा, एक ऑप्शन है। थोड़े पैसे ज्यादा खर्च करना चाहें तो बाकी सारी एरिया के जो कारपेट का कलर है उसके अलावा आप दूसरा अपना अलग से कलर का कारपेट आप उस जो टेबल का जो नीचे जो बेड बनाया आपने, रेस किया है प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर आप अपने कलर का, अपने कलर थीम का भी कारपेट लगा सकते हैं। उसमें एक तो मैंने आपको बताया टेंट हाउस में फोल्डिंग टेबल्स आती है लोहे की, वो लगा करके आप अपना साइज रेस कर सकते हैं। अगर नहीं हो, कोई ऑड साइज बैठ रही हो तो आप नॉर्मल प्लाई लेकर के, कॉमर्शियल जो सबसे सस्ती प्लाई होती है वो प्लाई यूज करके भी आप उसको प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, अगर आप ये पैसे खर्च करना चाहें तो। नहीं करना चाहें तो जो एग्जिस्टिंग फ्लोर है उसको यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप वॉल पे कुछ डिस्प्ले करने वाले, कोई आपकी ऐसा प्रोडक्ट है जो आप दीवारों पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग आपको जो स्टॉल वाले वॉल देंगे उसके ऊपर आप बोर्ड लगा करके और उसको पेंट या वॉलपेपर लगा करके या ये जो फ्लेक्स होते हैं प्रिंट करा के, फ्लेक्स प्रिंट करा करके उससे ब्रांडिंग करा के उसके ऊपर जो रैक्स क्रिएट करके आप अपने सामान डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डिस्प्ले दीवार पे नहीं होने वाला है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो स्टॉल की हाइट नॉर्मली 8 फुट की होती है, 8x4 के बोर्ड लगा करके स्टॉल बनती है, तो आपकी स्टॉल अलग से दिखे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 8 फुट की जगह पे उसकी हाइट को आप 10 फुट तक बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं उसके लिए मैं बताता हूं कि लोहे के फ्रेम बनवा लें, जो भी आपकी जो स्टॉल की एग्जैक्ट साइज है उससे एक एक दो दो इंच छोटे फ्रेम बनवा लें, लेफ्ट की, पीछे की, राइट की, और उसके ऊपर इधर की ब्रांडिंग प्रॉपर किसी ग्राफिक डिजाइनर से कोई सुंदर सी एक डिजाइन बना ले, आपके प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगा सकते हैं, आपके कोई अचीवमेंट्स हो वो लगा सकते हैं, आपके लोगो वगैरह, ब्रांडिंग वगैरह, और पीछे की वॉल और इधर वाली वॉल में ऐसे आप प्रिंटिंग करा करके और 8 फुट की जगह आपकी स्टॉल की हाइट को आप 10 फुट कर सकते हैं, तो दूर से आपकी स्टॉल थोड़ी बड़ी और अलग दिखेगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है लाइट। लाइट आप प्रॉपर मतलब आप समझ लीजिए फ्रंट से पीछे की तरफ जाती हुई लाइट अगर हो जाती है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो ऊपर से ऐसे नीचे आती हुई लाइट आप लगाएं, क्योंकि अगर आप सिर्फ एजेस में मतलब बाउंड्री बाउंड्री में लाइट लगाएंगे तो हो सकता है थोड़ी सी आपकी लाइट कम है ऐसी फीलिंग आए आपको, लेकिन अगर आप लाइट की प्लानिंग अच्छे से, हेलोजन जो होता है ना, थोड़ा सॉफ्ट हेलोजन वो लगा करके आप प्रॉपर लाइटिंग कर देते हैं तो वो स्टॉल का जो है लुक बहुत अच्छा आ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी पॉइंट मैं बताता हूं आपको कि जो एग्जीबिशन से पार्टिसिपेट करते हैं तो एग्जीबिशन कंपनी वाले टेबल देते हैं, डिस्मेंटलेबल टेबल होती है, उसकी जगह पे आप अगर अपनी टेबल सामने से बिल्कुल बंद और ड्रॉअर और एक छोटा सा एक टेबल बना के रेडी रखें जिसमें एक छोटी सी टेबल हो, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 3x4 की या 4x2 की टेबल, और उसमें एक ड्रॉअर हो और नीचे जो टेबल के जो नीचे का हिस्सा है उस पर भी एक प्लेटफॉर्म सा हो, तो उससे क्या एडवांटेज होगा आपको कि ड्रॉअर है उसमें तो आप अपने विजिटिंग कार्ड्स, ब्रोशर्स, स्टेपलर्स, पेन, जो भी चीजें आपको स्टेशनरी चाहिए वो आप उसमें रख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट आपके विजिटर आए हो उनके डिटेल्स रख सकते हैं, और जो नीचे जो टेबल की जो नीचे वाली जो जगह है वहां पे आप एक्स्ट्रा जो स्टेशनरी है आपकी वो वहां प्लेस कर सकते हैं, आपके और भी कोई प्रोडक्ट वगैरह, आपके स्टाफ के हेलमेट वगैरह, वो सब चीज उसमें रख सकते हैं। ये मैंने एक छोटा उपाय है, अगर आप बहुत बढ़िया प्लानिंग करके बना रहे हैं तब तो आपको मेरे किसी भी सजेशन की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप फटाफट किसी कारण से एग्जीबिशन लगाते हो, फ्रीक्वेंटली लगाते हो, एक तो ये टेबल, एक स्टॉल की साइज का फोल्डेबल लोहे का फ्रेम,
और फ्लेक्स प्रिंट करने वाला कोई हो तो डिजाइन बना के रेडी रखें। हर साल आप चाहें तो वो जो फ्लेक्स की प्रिंटिंग है हर एग्जीबिशन में आप चेंज कर सकते हैं। पीछे का स्ट्रक्चर आप जो डिस्मेंटलेबल फोल्डिंग फॉर्मेट में बना के रेडी रखें तो आपके लिए कभी भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप 3 दीवार का फ्रेम तैयार करके रखें, कभी आपको कॉर्नर की स्टॉल मिल जाए तो 2 दीवार में आप फ्लेक्स लगा सकते हैं, बीच की स्टॉल मिलती है तो 3 दीवार में लगा सकते हैं और एक फिक्स साइज में बना के रख सकते हैं और वो जो स्ट्रक्चर पीछे का बनाए वो अलग अलग साइज में सेट हो जाए, इस तरीके से फोल्डिंग फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा और इन टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोच सकते हैं और आपको लगे कि ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये किसी के काम आ सकता है तो आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें ठीक है, अपने शरीर को तकलीफ देते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए, दोस्तों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ खेलिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।